आशा उषा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ता वेतन विसंगति सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मंदसौर में भी सीटू कार्यकर्ताओं की यह हड़ताल जारी है। शनिवार को मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर दोपहर 1 बजे हड़ताल के 5वें दिन आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक रूप से सरकार को कुंभकर्णी निंद्रा में सुलाकर प्रदर्शन कर यह बताया कि राज्य सरकार सो रही है और उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हड़ताल पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो हड़ताल जारी रहेगी और आगे चलकर उग्र आंदोलन को भी बाध्य होना पड़ेगा। सहयोगिनी एकता यूनियन की जिला सचिव भारती सोलंकी, आज हड़ताल का हमारा 5वां दिन है। आज हमने सरकार को कुंभकर्ण बना के सुला के और उसको जगाने की कोशिश की है। क्या मांगे आप? प्रमुख मांगे तो ये है कि हमको नियमित किया जाए, शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, हमारा ESI स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति पर पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा को सभी योजनाओं को हमको लाभ दिया जाए। मांगे कि हमको शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा 18,000 रुपये वेतन किया जाए। सरकार हमारी विगत दिवस से हमारी हड़ताल चल रही है, आज का 5वां दिन है, पर सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। अभी तक हमारे इतने भी ज्ञापन गए हैं, आज दिन तक उनका कोई निराकरण नहीं किया गया। तो आज हम कुंभकर्ण के रूप में सरकार को, राज्य सरकार को यहाँ सुला के और उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार फिर भी हमारा जाग नहीं रही और हमारी ओर उनका कोई ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी ओर ध्यान दे और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करे। अगर वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द नहीं मानती है तो इस हड़ताल को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल है हमारी, और इसको और उग्र रूप देंगे हम लोग इस हड़ताल को। संतोष सालवी, उषा कार्यकर्ता।